हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ डेट 15/5/2020, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, क्लास 5, बुक टाइम टेल्स, चैप्टर 4। ओके, इन द लास्ट क्लास वी वर रीडिंग अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स, राइट? व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ? क्या क्या है मेजर लैंडफॉर्म्स अर्थ का? जो मेन मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या है? माउंटेन्स, प्लेटियोज, प्लेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट, ठीक है? ये सब क्या है? अर्थ का मेजर लैंडफॉर्म्स है। तो हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे। माउंटेन्स आर रेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस विच आर हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। माउंटेन्स दैट आर नॉट वेरी हाई आर कॉल्ड हिल्स। देखिए, माउंटेन्स क्या है? अर्थ सर्फेस का सबसे ऊँचा ऊँचा क्या बोलेंगे उसे, एक लैंडफॉर्म है अर्थ का, राइट? जो चारों चरम में सबसे ऊपर और सबसे ऊंचा में है, जिसे हम माउंटेंस बोलते हैं। और जो ज़्यादा ऊंचा नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? हिल्स। तो माउंटेंस कैसा है? माउंटेंस के ऊपर का जो भाग क्या है? वो स्टीप स्लोप से, राइट? और उसका जो ऊपर का जो समिट है, वो क्या है? पीक। सबसे ऊपर का जो चोटी, एकदम आइसक्रीम का कोन जैसा, उसे हम पीक बोलते हैं, राइट? और जब चेन ऑफ माउंटेंस को हम क्या बोलते हैं? जब बहुत ढेर सारा माउंटेंस एक लाइन में चेन किया जैसा रहता है, उसे हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। तो जो एंडीज है साउथ अमेरिका में, वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज में माना जाता है। ये जो माउंटेंस मेक द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए, माउंटेंस का भी उम्र होता है। हम लोग जैसे पढ़े थे कि हिमालय जो है वो क्या है? यंग माउंटेन है, एकदम यंग, आपके जैसा एकदम यंग माउंटेंस है, क्योंकि उनका जो पीक है वो क्या है? शार्प और हाई है, सबसे ऊंचा। और जो अरब विलेज में है, जो वो है ओल्ड माउंटेंस, क्योंकि उनका जो पीक है वो क्या है? लो है और राउंडेड है उसका पीक्स, राइट? इसलिए उसे हम ओल्ड माउंटेंस बोलते हैं। सम स्पेशल फीचर ऑफ माउंटेंस आर एज फॉलोज। देखिए, माउंटेंस का भी कोई स्पेशल फीचर है जो कि हम लोग का अर्थ एटमोसफियर को और सराउंडिंग्स को बहुत मदद करते हैं। क्या क्या है? द माउंटेन फॉर्म अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। जो माउंटेन फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, माउंटेन जो है वो एक नेचुरल बैरियर, मतलब एक नेचुरल वॉल के जैसा काम करता है, जो हम लोग को कोल्ड और गर्म हवा से बचाता है। द माउंटेन पीक्स एट हाई एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड सो द वेजिटेशन इज स्कैंटी हियर। देखिए, जो माउंटेन का जो पीक होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, वो क्या है? हमेशा वो बर्फ़ से ढका रहता है, पूरा हर साल ढका रहता है बर्फ़ से, और वहाँ पे कोई सब्जी उब्जी नहीं उगता है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत मुश्किल है। माउंटेनियस रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट एंड स्टीप स्लोप। पीपल प्रीफर टू लिव इन द फुट हिल्स एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द माउंटेंस। देखिए, माउंटेंस का जो ऊपर का जो रीजन है वो क्या है? एकदम कम पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे माउंटेन के ऊपर रहने के लिए। आप रहने के लिए आप एक दो दिन रह सकते हैं, पर उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट, फिर वहाँ का जो पहाड़ का जो रास्ता है, वेरी स्टीप और स्लोप है, राइट? और वहाँ पे आप लोग को क्या है? पैदल ही चलना पड़ेगा फुट हिल्स। और जो लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स है, वहाँ पे आदमी लोग रहने खोजते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन भी सुविधा होता है, फिर उनको उतना बर्फीला, मतलब पूरा 12 महीना बर्फीला एरिया में नहीं रहना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा क्लाइमेटिक एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है? इसलिए उन लोग क्या करते हैं? नीचे माउंटेन के नीचे एरिया में रहना पसंद करते हैं। माउंटेन ग्लेशियर्स आर सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। दिस रिवर्स फॉलो अ लॉन्ग कोर्स एंड प्रोवाइड वाटर टू मैनी रीजन्स। अब देखिए, माउंटेन्स का जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ जमा रहता है, वो क्या है? उसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। वो एक पानी का स्रोत है, राइट? वहाँ से बहुत लंबा कोर्स पानी निकलता है, जो काफ़ी बहुत सारे रीजन्स को जाके, जैसे देखिए हम लोग के हिमालयस में गंगा बहता है, तो गंगा आप इमेजिन कर सकते हैं कि कौन कौन स्टेट, कौन कौन राज्य से गुजरते हुए उसका लंबा रोड गुजरते हुए ओशन में जाता है। तो आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लेशियर किस प्रकार से हमें वाटर का सोर्स प्रोवाइड करता है, राइट? द माउंटेन्स स्पेशली द लोअर एरियाज आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना। जो माउंटेन्स का जो नीचे वाला भाग है, लोअर एरिया जो है, वो एक नेचुरल फ्लोरा एंड फौना, मतलब नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल्स का बहुत, वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स आपको देखने को मिलता है माउंटेन्स का सबसे निचले वाला लोअर एरियाज। दे आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। अब पहाड़ में देखिए, पहाड़ जब पत्थर का है तो बहुत सारा रिच इन मिनरल्स होगा, हो सकता है वो कॉपर, बॉक्साइट या कोल, आयरन, ये सब वहाँ से मिलने को, बहुत सारा मतलब मिनरल्स हमें मिल सकता है।
हिल स्टेशंस अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। हिल स्टेशन जो है वो क्या करते हैं, अब देखिए पहाड़ में जो हिल स्टेशन है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं राइट, अपना ब्यूटी और क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो ये है आपका माउंटेन, तो आप समझ गए माउंटेन कैसा, लाइक व्हाट इज़ माउंटेन, माउंटेन कैसा क्या क्या पार्ट है जो हमें हेल्प करता है राइट। तो हम चाहते हैं आप ये घर में पढ़े, ओके, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा माउंटेन का जो पूरा पैरा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेट्यू करेंगे। और एक बात था, हम आपको जो लास्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप ये माउंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ आपको कोई तकलीफ होता है या कोई प्रॉब्लम इन नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू कैन आस्क मी। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।